सोचे थोड़ो, एक कॉकरोच निकलकर आ गया। क्या आ गया? एक कॉकरोच अगर एक तरफ और एक तरफ एक एटॉमिक बम और एक खातून को बोले तुम किससे डर लग रहा, तो क्या बोलेंगी हो? कॉकरोच से। एटॉमिक बम फट जाएंगे, सब मरेंगे, मालूम कॉकरोच से मुझे डर लग रहा, तो इतना डर बना लिया हमने। कॉकरोच यार ऐसी चीज है कि अगर तुम थोड़ा टेंशन में आके हाथ मार दिए तो मैं मसले जाता हूं, लेकिन जो चीख पुकारा होता, जो हार्ट बीट खुद की बढ़ा लेते और जो हार्ट बीट घर वालों की बढ़ा लेते, जिसकी कोई इंतजार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा फिक्रमंद रहो। अगर कोई चीज देख के आपको डर लग रहा है चूंकि वो खतरे की चीज है, तो मुस्तैद हो जाओ, रेडी हो जाओ कि उसको मारना है आपको, इसलिए कि वो खतरे की चीज है ना। अब वो छोड़ के क्या है, चीखना चिल्लाना भागना कूदना फांदना, मकड़ी आ गई चिखरे चिल्ला रहे, फुला आ गया चिखरे चिल्ला रहे, बहुत एहतियात करने की जरूरत है। और छिपलक आ गई बोले तो क्या आ गया, छिपलक छिपलक बोले तो दो चार औरतें एक मजलिस में निकली, सौ में से तो मर जाती समझ लो। चीख रहे चिल्ला रहे भाग रहे, क्या है क्या है, छिपलक। अरे आपका वजन देखो माशाल्लाह 70-80-90-100, वो बेचारी कुछ ग्राम की, उससे डर रहे आप? तो ये गैर जरूरी है, ये मीडिया का असर है, ये अपने आप को नाजुक हल्का फुल्का मालदार घिन दूसरी चीजें बचते हैं, हम आज तक जिंदगी में देखे नहीं, बताने की अलामतें हैं, ये सब छोड़ो, रियल लाइफ में जियो। सहाबियात ने क्या ऐसी छिपलक झिंगुर और चीजों को देख के जिंदगी में क्या डरे चीखे चिल्लाए, ये डर देखकर बच्चे भी ये डर सीखते हैं। आपको एक मैंने पूरी रिसर्च पढ़ा था, बच्चे डरना अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, वो फितरी डर बहुत कम लेकर आते पैदाइश, हम उनको सिखाते कहाँ डरना कहाँ नहीं डरना, मालूम, और फिर वो शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा माँ को नाचते और कूदते देखेंगे छिपलक को देखकर, छिपलक आगे तो बिल्कुल डांसिंग चालू है, कथक चालू, इधर उधर उधर उधर, पलंग से कुर्सी, कुर्सी से पलंग, और कुर्सी से फलां, दरवाजा दरवाजे के बाहर अंधे पड़े हुए, फ्रैक्चर हो गया, क्यों छिपलक दिख गई, कॉकरोच दिख गया। अगर है वो इतना खतरा तो क्या करना चाहिए, खतरे को देखकर अपनी और अपने बच्चे और घर वालों की जान बचाने मुस्तैद होना जरूरी है, भागना जरूरी है, बताइए। तो मेरा लॉजिक ये बोलता है अभी तो आपको अगर वो इतनी खतरनाक चीज है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तो आप लड़ने के लिए तैयार होना छोड़कर और भागकर खुद का बीपी, दूसरों का बीपी, खुद के जिस्म को नुकसान, दूसरों को नुकसान। अच्छा अगर ये आवाज का किसी को पता ना हो असर क्या हो रहा है, आप समझ रहे क्या होगा उसका अंदाजा लगा। अगर किसी ने चिल्ला दिया एक मजलिस में, उसमें 1000 औरतें बैठी और निकलने के लिए सिर्फ 2 छोटे दरवाजे, ये भगदड़ में क्या हो सकता है, जाने भी जा सकते, क्यों, एक कॉकरोच एक छिपला क्या है? अगर इतनी चीजों से मुसलमान खातून डर जाती है तो उनको दूसरी चीजों की जरूरत नहीं, कौम को और उनके आने वाली नस्लों को खत्म करने के लिए। तो मुस्तैद अगर वो डर की चीज है तो और तैयार हो जाए कि मुझे अब डिफेंस में आना है अपने मेरे बच्चों के खिलाफ, घर में खतरनाक चीज आ गई, और नहीं है तो उसको इजी ले। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।